हाय नमस्ते एवरीवन। मैं परेश रंजन बोल रहा हूँ। तो मैं अभी पिछले हफ्ता न्यूटन का एक एग्ज़ाम भी दिया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम दिया था मैं, उसका मेरा रिजल्ट बहुत बुरा था, अच्छा नहीं था एग्ज़ाम। इसके बाद मैं सेकेंड टाइम ट्राई किया न्यूटन का ऊपर एग्ज़ाम देना, तो मेरा वो लॉक है, तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया सब कुछ। हाँ देखो, आप लोगों को मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास द टेस्ट, ऐसा मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया। एंड मैं सारा डॉक्यूमेंट भी दे दिया, ISA वेरिफिकेशन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सीट द प्री कोर्स इन दिस फर्स्ट ऑनलाइन ट्रायल क्लास विल बी स्टार्ट ऑन अप्रैल 25। और अप्रैल 25 मेरा क्लास स्टार्ट है, ठीक है ना, तो 9 PM पे, ठीक है ना। तो सारा मैं डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर दिया है ISA के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कुछ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, ठीक है ना। तो मेरा पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया, मेरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया, मेरा मार्कशीट सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, मेरा कौन सा दिन मेरा क्लास भी है सब कुछ आ गया है मेरे पास। नोटिफिकेशन मेरे पास आज सुबह वो मेरे पास मेल आया है, हाय परेश रंजन रावत, योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड, यू विल रिसीव यू प्री कोर्स इन्वाइट, यू यू हैव टू कन्फर्म द सीट, ठीक है ना। तो ऐसा मैसेज आ गया, तो इसको क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट न्यूटन का होम पेज पे सिलेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें वो मेरा प्रोफाइल है, वो मेरा जो दिखाई दे रहा हूँ आपको मैं, वो मेरा प्रोफाइल है फुल स्टैक है। वो मेरा टास्क पैनल है, देखो वो मेरा टास्क पैनल है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स अप्रैल 25 में मेरा स्टार्ट है, प्री कोर्स स्टार्टेड, सब कुछ इधर आ गया है, आप दिखाई दे रहा है। इसमें न्यूटन का कुछ फ्री कोर्स भी है, इधर दिखाई दे रहा है सब कुछ। हाउ टू क्रैक पाइथन इंटरव्यू, वो सब आपको बताएंगे। हाउ टू इंट्रोडक्शन ऑफ HTML कोर्स, वो भी आपको बताएंगे। जावा का भी कुछ बिगनर गाइडेंस है विथ DSA, मीन्स डाटा स्ट्रक्चर विथ एल्गोरिथम के साथ, ठीक है ना। इस तरह है मेरा न्यूटन का फाइनली हो गया। तो आपको मैं अपडेट करूंगा, 25 मेरा क्लास स्टार्ट है, इसके बाद क्या होगा मैं आपको सब अपडेट करते रहूंगा। एग्जाम इतना हार्ड नहीं है यार, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो एग्जाम ही हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक से हिसाब से ट्राई करना है एग्जाम, ठीक है ना। मेरा भी फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं हुआ था, इसके बाद ही हो गया। तो मैं तो देखो प्रोजेक्ट क्या है, सारा सब कुछ आ गया। प्रोजेक्ट आप लोग, मैं सब कुछ दिखाई दे रहा हूँ। एल्गोरिथम प्लेग्राउंड, मेकअप प्लेग्राउंड, प्रोजेक्ट प्लेग्राउंड, सब कुछ आ गया है, ठीक है ना। इसमें क्रिएट में देखते हैं क्या आ रहा है। देखो स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्टेड, अभी तो मैं स्टार्टेड नहीं हुआ है इसलिए। टाइटल करेक्ट, अपकमिंग कंटेंट, सब कुछ देखो इधर आपको सब शो कर रहा हूँ। 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, वो सब न्यूटन का क्लास का शेड्यूल है, ठीक है ना। रजिस्टर, वो तो मेरा सब कुछ हो गया। हाँ मैं बात कर रहा था एग्जाम के बारे में। एग्जाम इतना हार्ड नहीं है यार, तुम लोग भी दे सकते हो, क्योंकि न्यूटन में बहुत बंदा है, बहुत स्टूडेंट है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं तो टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, BCA किया हूँ मैं, आप भी आ सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकली आप करेंगे ना, लॉजिकली एग्जाम देंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है न्यूटन में एडमिशन लेना, मसाई का एडमिशन लेना, कोई भी ऑनलाइन पे आफ्टर प्लेसमेंट जो भी फास्ट एग्जाम देना पड़ता है ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हो जाता है। मेरा फंक्शन ऑफ का भी मेरा एग्जाम दिया था, इससे भी मेरा था 38 मार्क था फंक्शन ऑफ का। बट उसमें क्या है, अब मेरे पास नोटिफिकेशन अभी नहीं आया फंक्शन ऑफ का, नहीं तो मैं फंक्शन ऑफ का भी इंटरेस्ट था एडमिशन लेने के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। बट मैं जॉब करता हूँ ना, इसलिए मेरे को न्यूटन अच्छा लगा, बिकॉज फंक्शन ऑफ का क्लास टाइम थोड़ा डिफरेंट है। एंड न्यूटन का क्या है, 9th से 11th तक क्लास है, ठीक है ना। और इसलिए बाकी सबका मसाई का भी पार्ट क्लास है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, फंक्शन ऑफ का पार्ट टाइम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मेरे को न्यूटन अच्छा लगा, मैं न्यूटन से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये तो मेरा फंक्शन ऑफ का एग्जाम क्लियर हो गया था, एंड न्यूटन का भी एग्जाम क्लियर हो गया था। न्यूटन का मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम दिया तो मेरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। न्यूटन आपको सेकेंड टाइम भी टाइम देता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से आपका नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट से वो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। बट बाकी सारा इंस्टीट्यूट का ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ फंक्शन आपका सेकेंड टाइम भी देता है वो, फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो ना, सेकेंड टाइम भी सपोज फेल हो गए तो
एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हो फिर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी वो देता है, ठीक है ना? ओके वेट वेट ओके ओके श्योर, इसका बाद ही ट्राई करना।